हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में इसमें लास्ट जो टॉपिक है उसमें हमने किस तरह से सिंबल्स, फॉर्मूले, मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एलिमेंट ऑफ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में जो आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है वो आयंस के बारे में, तो आयंस के बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। आयन इज ए चार्ज पार्टिकल्स। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कभी भी मेटल और जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। उनके ऊपर तो चार्ज इज टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, उसमें ऐड होते हैं, तो उसमें कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज, और उसको हम क्या कहते हैं? एनायन। और जब वो रिमूव करता है या किसी को देता है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, और उसको हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। तो इसी तरह से आगे चार्ज के बारे में आपको जो टेबल है उसमें देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो राइटिंग केमिकल फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने नाइन्थ में केमिकल फार्मूला बनाना सीख लिया तो आगे आपको कभी भी टेंथ क्लास में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है? तो सबसे पहले इस केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला बनाने के लिए जो मेन जो टॉप ट्रिक्स है वो आपको सबसे पहले तो सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। सिंबल्स बताया था, जैसे हाइड्रोजन को एस से, कार्बन को सी से, ऑक्सीजन को ओ से, नाइट्रोजन को एन से। फिर इसके बाद में आपको एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। तो सीरीज से केमिस्ट्री को याद, सबसे पहले आप क्या याद करेंगे? सिंबल्स। तो आपके कोर्स में आप कैल्शियम तक सबका याद कर लीजिए, 1 से लेकर 20 तक। जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 20। आगे जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, और पीरियोडिक टेबल में ये सीरीज है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 20 तक। तो अभी आप केवल 20 तक के जो सिंबल्स हैं, हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? कैल्शियम तक। तो उन सबके सिंबल याद करेंगे, फिर उनके क्या याद करेंगे? आप एटॉमिक नंबर याद करेंगे, फिर आप एटॉमिक मास याद करेंगे। मास याद करने का सबसे अच्छा एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, एटॉमिक मास या तो एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है। वैसे जितने भी ऑड नंबर वाले जो होते हैं एलिमेंट, उनका जस्ट डबल क्या आता है? एटॉमिक मास आता है, या जस्ट डबल से प्लस वन आता है। जैसे आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक मास कितना है? 2 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो एटॉमिक मास कितना है? 4 है। इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक मास कितना है? 12 है। तो जस्ट डबल होता है, या फिर डबल से प्लस वन होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इस तरह से ये आपके याद करने का एक सिंपल सा तरीका होगा। एटॉमिक मास की जो टेबल है मैंने आपको कहा था बनाने के लिए, उसमें से आपको याद करना है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है, ध्यान से समझना इसको। पहले तो केमिकल फार्मूला क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। कि किसी भी कंपाउंड के जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंट से करना, उसकी जो कंपोजिशन है कि किस तरह से वो मिलकर के बना है, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। लेकिन केमिकल फार्मूला याद करने के लिए, इसको जानने से पहले आपको वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। बाकी तो वैलेंसी के बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में वैलेंसी के बारे में बताऊँगी, तभी आप ये केमिकल फार्मूला आपको समझ में आएंगे। तो द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, या तो आप उसको पावर बोल लीजिए या कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। तो वैलेंसी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और उसके चारों तरफ शैल में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? राउंड करते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पर। इस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका। तो जो उनके शैल के अंदर, आउटर मोस्ट शैल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने, वो या तो उसमें से रिमूव करके या ऐड करके
जो कंपाउंड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। द कंबाइनिंग पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी कैन बी यूज, ये क्या जानी जाती है, वैलेंसी जानी जाती है। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एलिमेंट्स विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनादर एलिमेंट्स, कि कितने जो एटम है वो एक एलिमेंट के जो एटम है वो दूसरे एटम एलिमेंट के कितने एटम से क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, और कंबाइन होने के क्या के बाद में क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसलिए जगह छोड़ दी, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझा रही हूँ। जैसे कंपाउंड, कंपाउंड का एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब आपकी बुक में ये टेबल है, आज मैं आपको बुक का यूज़ करके बता रही हूँ, बुक के अंदर ये टेबल है आपके, इस टेबल में टेबल नंबर 3.6 है आपके, इसमें वैलेंसी, नेम ऑफ आयन, सिंबल दे रखे हैं, ये आपको अपनी कॉपी में बनानी है। और इनके ऊपर किसी पे पॉजिटिव 2 है, किसी पर पॉजिटिव 1 है, किसी के ऊपर 3 है, तो ये कैसे आया, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर इसका एग्जांपल बता रही हूँ NaCl का। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर ये कंपाउंड बनता है। जैसे पहले हमको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 17 होता है। अब एटम का जो स्ट्रक्चर होता है बताया था आपको, बीच में क्या होता है न्यूक्लियस, और इसमें क्या होते हैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, राउंड करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए या उसको उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन 2n² फॉर्मूला से यानी 288 इस तरह से भरे जाते हैं। तो यहाँ पर हम किसका बना रहे हैं, सोडियम का। तो सोडियम की पहली शेल में कितने आ गए 2, दूसरी जो शेल है उसमें कितने आ गए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब इसकी लास्ट वाली जो शेल है उसमें कितना रह गया 1, 2 और 8 10 और 1 मिलाकर कितना हुआ 11। अब हम यहाँ पर बनाते हैं क्लोरीन का, वही न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहली शेल में कितने आ गए 2, दूसरी जो शेल है उसमें कितने आ गए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, अब कितने रह गए इसके पास 7। तो यहाँ इसकी जो थर्ड शेल है उसमें कितने आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों को ही स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। अब इसमें से क्लोरीन के पास 7 है और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन NaCl कंपाउंड बनने के लिए क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, सोडियम से। तो सोडियम अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ है। ऐड होने का मतलब इसने लिया है, लेने के लिए क्लोरीन की जो ऊपर जो चार्ज आता है वो होता है -1। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया यानी एक इलेक्ट्रॉन उसने किसको दे दिया, क्लोरीन को, तो सोडियम पर आ जाता है चार्ज प्लस, या 1 लिख दो, या आप इसको क्लोरीन को 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें नेगेटिव और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, देने वाले पे पॉजिटिव, लेने वाले पर नेगेटिव, इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो जब भी शेयरिंग होती है कंपाउंड बनाने के लिए, कंपाउंड जब भी बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होता है, या तो ऐड होते हैं या इलेक्ट्रॉन किसी में से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। जिसमें ऐड होते हैं उस पर कौन सा आता है, नेगेटिव, जिस पर से रिमूव होते हैं उस पर कौन सा आता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए हमने केवल नेगेटिव या पॉजिटिव, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या आ जाएगा, +2, या 3 होंगे तो +3, 4 होंगे तो, लेकिन 4 के बाद फिर 5th 6th कभी भी नहीं चलता है, इसीलिए कार्बन को हमेशा क्या बना गया, स्टेबल। जब भी तो कार्बन को, या तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, या तो वो 4 दे दे या 4 ले ले, इसीलिए हमेशा कोई भी एटॉमिक मास के लिए हमने आपने पीछे लेक्चर में पढ़ा है कार्बन को रिप्रेजेंटेटिव मानकर ही निकाला जाता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन है तो वन आएगा, वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव लिख के छोड़ दिए। टू है तो टू आएगा, पॉजिटिव में नेगेटिव में। थ्री है तो थ्री आएगा। इस तरह से आगे जो हम ये फॉर्मूला बनाएंगे वो इसी बेस पर बनाएंगे। तो इसीलिए आगे के चैप्टर में भी यही है, नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले मैंने इसलिए बताया क्योंकि यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपको फॉर्मूला बनाना समझ में नहीं आएगा। इस तरह से अब आपको पता चल गया होगा कि वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो गई, माइनस में वन। क्योंकि सोडियम ने दिया है इसलिए उसकी वैलेंसी पॉजिटिव पे या प्लस में हो गई वन। तो वन को नहीं लिखते हैं तो प्लस माइनस लिखे, लेकिन टू थ्री हो तो प्लस टू। जैसे हम आगे एग्जांपल पढ़ेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में आएगा प्लस टू, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टू। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि एटॉमिक नंबर याद करना है, सिंबल याद करना है, एटॉमिक मास याद करना है। आगे का जो टॉपिक होगा उसमें एटॉमिक मास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से ये आज आपको समझ में आ गया। अब कुछ रूल्स होते हैं कोई भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए। तो द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो विद राइटिंग ए केमिकल फार्मूला आर फॉलोज। तो कौन कौन से रूल हैं, द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। तो चार्ज या जो है या वैलेंसी को ही हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। आपको पता चल गया होगा पॉजिटिव ये क्या आई है, वैलेंसी आई है, इस पर नेगेटिव आई तो इसको वैलेंसी या चार्ज भी कह सकते हैं। वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, अभी तो आप थोड़े से नाम याद करना, लेकिन आप जब टेंथ में जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में आपको पूरा पता चलेगा। तो मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम ऑफ सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो जो मेटल होता है उसका नाम क्या होता है, सिंबल जो होता है उसको पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल का बाद में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca, ऑक्साइड O। तो इसमें कैल्शियम तो क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम क्लोराइड NaCl, Na क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर मेटल है और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। तो दूसरा आपको जो रूल याद रखना है कि मेटल को पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल को बाद में। नॉन मेटल रिटन ऑन द राइट साइड एंड मेटल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। जब भी आप ऐसे लिखोगे तो ये राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड होगा। थर्ड रूल है इन कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉली एटॉमिक आयंस। अब पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेट बाय इनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन ए ब्रैकेट। उसको फॉर्मूला को ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा जाता है एंड रिटर्न द नंबर ऑफ आयन आउटसाइड द ब्रैकेट। जो जो नंबर्स हैं आयंस के उनको ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। जैसे आपके एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। यदि आपने OH के बाद में इस तरह से टू लिख दिया और आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपने टू लगाया है वो केवल किसका बता रहा है, हाइड्रोजन का बता रहा है, उसमें ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं हो रही है। इसलिए आपको इस तरह से इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा OH करके होल ट्वाइस। तो थर्ड रूल ये है। अब आपके कुछ एग्जांपल है फॉर्मूला जो जो केमिकल फार्मूला के, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सिंबल वैलेंसी, सिंबल हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की भी 1 होती है, अभी आपको बताया 1। अब इनको क्रॉस ओवर करके लिखते हैं, क्रॉस ओवर का कि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो किसके साथ जुड़ेगी, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन की वैलेंसी किसके साथ जुड़ेगी, हाइड्रोजन के साथ। क्रॉस ओवर करके लिखा जाता है इनको। तो फॉर्मूला हो गया HCl। अब वन को तो हम नहीं लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, HCl। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सिंबल कार्बन का C और क्लोरीन का Cl, वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। पहली शेल में कितने आ गए, 2। दूसरी शेल में कितने आए, 4। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके, 4। तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4। क्लोरीन की आपको बता दी है 1। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी, कार्बन की जो वैलेंसी है वो तो किसके साथ जुड़ेगी, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन की वैलेंसी किसके साथ जुड़ेगी, कार्बन के साथ, और फॉर्मूला हो गया CCl4।
इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और क्लोरीन का क्या होता है Cl। इसका चार्ज या जो चार्ज होते हैं मैग्नीशियम पर 2+, मैग्नीशियम पर कितना होता है 2+। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 12 होता है। पहली शेल में कितने आ गए 2, दूसरी में 8 और 2 कितने हो गए 10, और लास्ट जो शेल है उसमें कितने हो गए +2। तो जो मैग्नीशियम होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है। तो देने वाले पे क्या आता है आपको बताया था पॉजिटिव, तो इसको क्रॉस ओवर कर दीजिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया Mg1, तो हम लिखते नहीं है MgCl2, इस पर -1 है, इस पर +2 है, क्योंकि ये हमेशा देगा जब भी कंपाउंड बनाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, वही सिंबल मैग्नीशियम और ये क्लोरीन, मैग्नीशियम का ही होगा, ये डबल बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, दो बार समझा दिया। तो ये इस तरह से आपके और आपकी बुक में बहुत सारे बने हुए हैं, उनको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल फार्मूला किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको केमिकल फार्मूला बनाने के लिए वैलेंसी, मैंने आपको समझा दी है कि किस तरह से जब कंपाउंड बनते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं रिमूव होते हैं, उसके आधार पर ही उसकी क्या होती है वैलेंसी होती है, और उसी के बेस पर ही क्या आता है चार्ज आता है पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये थोड़े से रूल्स हैं, अब आपकी बुक में जितने भी बने हुए हैं ये केमिकल जो फार्मूला हैं उनको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। इसके अलावा आपकी बुक में जो ये टेबल है, टेबल नंबर है 3.6, इसको अपनी होमवर्क कॉपी में आपको बनाना है। तो यदि आपने सिंबल याद कर लिए, एटॉमिक नंबर याद कर लिए, एटॉमिक मास याद कर लिया और ये फार्मूला बनाना आ गया, तो आपको आगे की क्लास में कभी भी केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।